इसके साथ ही लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऑपरेशन गरल अभियान के तहत तिवारीपुर थाने की पुलिस ने अवैध मिश्रित कच्ची शराब की बिक्री और निष्कर्षण व परिवहन करने वाले 4 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 120 लीटर अवैध अपमिश्रित जानलेवा शराब और एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटी बरामद की है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान कमलेश कुमार पुत्र रामप्रीत निषाद, विनोद साहनी पुत्र इंदल, शैलेश निषाद पुत्र भानु निषाद निवासी चक्रा दोयम थाना राजघाट और विकास निषाद पुत्र रामलखन निवासी अरवा थाना रामगढ़ ताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम ने थाना प्रभारी तिवारीपुर सत्यप्रकाश सिंह, उप निरीक्षक पुष्पेंद्र द्विवेदी, उप निरीक्षक शमशीर अहमद, उप निरीक्षक प्रमोद कुमार यादव, कांस्टेबल राजेश पाठक और मिथिलेश कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने कहा, शराब तस्कर 4 थाना तिवारीपुर पुलिस द्वारा पकड़े गए हैं और जो पहले से ही इस अपराध में संलिप्त रहे हैं के आपराधिक इतिहास भी हैं उसको भी खंगाला जा रहा है। इनके कब्जे से करीब 200 लीटर देसी शराब बरामद हुआ था, किंतु ये बोरे में होने के नाते उतारते समय ये फट गया। जिनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल 120 लीटर देसी शराब और एक स्कूटी ये बरामद हुई है। इनको गिरफ्तार करके 4 लोगों को जेल भेजा जा रहा है, एक भागने में सफल रहा है, उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और ये SSP महोदय द्वारा ऑपरेशन गरल अभियान के तहत कार्रवाई हुई है। हमारे SPCT साहब इसका रोज परीक्षण कर रहे थे और उसी के क्रम में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें हमारे थाना तिवारीपुर पुलिस के हाक ड्यूटी में लगे हुए कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा है, जिनको पुरस्कृत करने हैं तो SSP महोदय से अनुरोध किया जाएगा। ये चक्रा दोयम गांव है जो बदनाम शुदा गांव है, वहाँ इस प्रकार के अक्सर धंधे होते हैं प्रायः, और उन्हीं में से हैं ये, तो ये आदती अपराधी हैं और इनके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है।